हाँ, कहाँ तक बताया था बच्चों? किसका? लो, इक्विवेलेंट सर्किट हमने कॉमन बेस कनेक्शन का बताया था। अब देखिए हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट, कॉमन एमीटर का बताया जाए। कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, तीनों का बताने जा रहे हैं। हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट, सर्किट एंड इक्वेशन, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट एंड इक्वेशन, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट एंड इक्वेशन, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट एंड इक्वेशन फॉर कॉमन एमीटर कनेक्शन, फॉर कॉमन एमीटर कनेक्शन। खोल दो बेटा, कॉमन एमीटर कनेक्शन। अरे हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट एंड इक्वेशन फॉर कॉमन एमीटर। हंसो नहीं भाई, अरे सिमोन, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट फॉर कॉमन एमीटर कनेक्शन। देखिए कॉमन एमीटर कनेक्शन में यह है एमीटर, जिसे अर्थ कर दिया। यह है आपका कलेक्टर, यह है बेस, यह है कलेक्टर, यह है बेस। अंदर की ओर है तो पी एन पी की बना दिया, पी एन पी, पी एन पी। अब आपने एन को दिया है, यहीं पे आप लोड ले लीजिए आर आई, इस पर वोल्टेज आएगा वी आई, लोड आर आई जिस पर वोल्टेज वी आई है, लोड आर आई पर वोल्टेज वी आई है, लोड आर आई पर वोल्टेज वी आई है। एन को दिया हमने निगेटिव, पी को दिया पॉजिटिव। ये है बैटरी बी बी बी, एन को दिया निगेटिव, पी को दिया पॉजिटिव, बैटरी बी बी, ठीक है। और करंट जो है प्लस से माइनस ऐसे फ्लो होगी, आई बी की डायरेक्शन में। वोल्टेज इसके लिए, ये वोल्टेज क्या है, वी ई बी के बराबर। लोड आर एल जहां पर आउटपुट वी नॉट मिलेगा, आउटपुट वी नॉट मिलेगा, लोड आर एल है जहां पर आउटपुट वी नॉट मिलेगा। अब ये है पी एन पी, तो हमने क्या किया,
एस पी के थ्रू एन को दिया पॉजिटिव और पी को दिया है नेगेटिव बैटरी वी सी सी, एमीटर को दिया नेगेटिव एस पी टाइप को और एन टाइप को एमीटर के थ्रू यहाँ दिया पॉजिटिव, तो ये बैटरी वी सी, ये वोल्टेज वी सी ई, ये रिवर्स बाइस्ड, रिवर्स बाइस्ड करंट की डायरेक्शन ये है आपकी आई से। अब हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट के लिए पहले इक्वेशन, एच पैरामीटर के लिए आप पहले इक्वेशन याद कर लीजिए, सभी बच्चों को याद होगी, V1 बराबर क्या है ये आप याद कर लीजिए, V1 बराबर इनपुट के लिए पहली H11 I1 H12 V2, ये पहली इक्वेशन H11 I1 H12 V2, और इसके लिए I2 बराबर दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन एक तरीके से इनपुट सर्किट के लिए है, इनपुट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो यही लगेगी, तो V1 बराबर H11 I1 H12 V2 और I2 बराबर H21 I1 H22 V2, ये पहले लर्न कर लीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन पहला काम लर्न करिए कि V1 बराबर H11 I1 H12 V2, I2 बराबर H21 I1 H22 V2। अब देखिए H11 HI होता है इनपुट इम्पीडेंस, तो इसे आप क्या कर लीजिए HIE इनपुट इम्पीडेंस, एमीटर के लिए हुआ तो HIE, H12 क्या होता है रिवर्स वोल्टेज गेन HRE कर लीजिए, HRE कर लीजिए या लर्न करिए HRE कर लीजिए, H21 फॉरवर्ड करंट गेन H21 फॉरवर्ड करंट गेन, तो HFE इनकी वैल्यू भी लिख दें एक बार तो और अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए और समझ में आए, ठीक है, या कोई जरूरत वैसे नहीं है, HFE कॉमन कलेक्टर में लिख देंगे, H22 H0E, ये ठीक है, तो ये आपके H पैरामीटर किसके लिए है कॉमन एमीटर कनेक्शन के लिए, ठीक है, HIE की मतलब है इनपुट इम्पीडेंस, HIE का मतलब है इनपुट इम्पीडेंस, तो इनपुट इम्पीडेंस इनपुट वोल्टेज डेल्टा VEV अपॉन इनपुट करंट डेल्टा IV, इनपुट वोल्टेज डेल्टा VEV अपॉन इनपुट करंट डेल्टा IV, या हम इसे ये भी ले सकते हैं इनपुट वोल्टेज में चेंज डेल्टा VI अपॉन डेल्टा IV, ये ले लीजिए डेल्टा VI अपॉन डेल्टा IV। फिर H12 HRE है रिवर्स वोल्टेज गेन चेंज इन रिवर्स में है तो रिवर्स में चेंज इन इनपुट वोल्टेज डेल्टा VEV अपॉन चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डेल्टा VC, ये रिवर्स का मतलब उल्टा है इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज, इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं डेल्टा VI अपॉन डेल्टा V0 ऐसे भी कर सकते हैं,
फिर ये तीसरा एच एफ ई फॉरवर्ड करंट गेन, एच एफ ई फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन जो है, फॉरवर्ड करंट गेन चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, ये कहलाता है फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है, फॉरवर्ड है ना, तो आउटपुट अपॉन इनपुट। और एच नॉट ई आउटपुट एडमिटेंस चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट करंट, सॉरी चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज, डेल्टा वी सी ई या आई सी अपॉन डेल्टा वी नॉट कर लीजिए। ठीक है, अब V1 की वैल्यू बता दे, V1 चेंज है ना, तो V1 की वैल्यू हम डेल्टा वी ई बी या डेल्टा वी आई लेंगे। V2 की वैल्यू डेल्टा वी सी बी वी सी ई डेल्टा वी नॉट लेंगे। I1 की वैल्यू डेल्टा आई बी लेंगे। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट, बात ना करिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट V1 बराबर H11 I1 H12 V2 तो V1 की वैल्यू डेल्टा वी आई या डेल्टा वी वी डेल्टा वी आई H11 HIE, I1 की वैल्यू डेल्टा आई बी, H12 की वैल्यू H12 HRE, HRE रिवर्स वोल्टेज गेन, V2 की वैल्यू डेल्टा वी नॉट, इसे इधर भेजिए डेल्टा वी आई माइनस एच आर ई डेल्टा वी नॉट बराबर एच आई ई डेल्टा आई बी। तो ये हमने ऐसे लिख दिया डेल्टा आई बी बराबर डेल्टा वी आई एच आर ई डेल्टा वी नॉट अपॉन एच आई बी। ये आपका हो गया इनपुट की, ये इनपुट की हाइब्रिड इक्विवेलेंट इक्वेशन है, ये इनपुट की हाइब्रिड इक्विवेलेंट इक्वेशन है, ये इनपुट सर्किट की, ठीक है, ये इक्वेशन है, इसी से हम इनपुट का सर्किट ड्रा करेंगे। This is the hybrid equivalent equation. Equation for input. This is the hybrid equivalent equation for input. ये hybrid equivalent equation है input के लिए। अब हमें आउटपुट की ड्रा करनी, बिल्कुल इजी है,
देखिए पहले आप क्या करिए, कॉमन एमिटर कनेक्शन बना लीजिए, बेस एन टाइप एन को दीजिए निगेटिव, पी को दीजिए पॉजिटिव, क्योंकि इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट हमेशा रिवर्स बाइस। कलेक्टर पी टाइप है उसे दिया निगेटिव और इस एमिटर के थ्रू एन टाइप को दिया पॉजिटिव, ये हो गया रिवर्स बाइस। तो इनपुट फॉरवर्ड बाइस्ड, आउटपुट रिवर्स बाइस। ये अब इक्वेशन है वी वन बराबर एच वन वन आई वन एच वन टू वी टू, आई टू बराबर एच टू वन आई वन एच टू टू वी टू। अब एच वन वन जैसा मैं कम बस सीधा सीधा एच वन वन एच आई ई, एच वन टू एच आर ई, एच टू वन एच एफ ई, एच टू टू एच नॉट ई। ये इधर ध्यान दो बात ना करो, एच आई ई इनपुट इम्पीडेंस है, डेल्टा वी ई वी अपॉन डेल्टा आई वी, डेल्टा वी ई वी ये इनपुट का वोल्टेज किसके बराबर, डेल्टा वी आई, तो डेल्टा वी आई अपॉन डेल्टा आई वी भी है। एच आर ई रिवर्स वोल्टेज गेन, चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन आउटपुट, फॉरवर्ड वोल्टेज गेन होता तो आउटपुट अपॉन उल्टा है, डेल्टा वी बी अपॉन डेल्टा वी सी, डेल्टा वी डेल्टा वी नॉट, डेल्टा वी सी डेल्टा डेल्टा वी आई और डेल्टा वी सी डेल्टा वी। ये 2020 में आया है और 21 में भी आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही यही बनता है हाइब्रिड पैरामीटर का, लॉन्ग का यही क्वेश्चन ही बनता है, मेन एडमिटेंस वाला वो छोटा ही रहता है, तो वो वाई पैरामीटर उतना नहीं बड़ा बन पाता, तो वो शॉर्ट में आएगा, जब भी आता है लॉन्ग में ही आता है। एच एफ ई फॉरवर्ड करंट गेन, चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा। एच नॉट ई आउटपुट एडमिटेंस, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा वी सी। अब वी वन इनपुट वोल्टेज में चेंज, डेल्टा वी वी बराबर डेल्टा वी आई, वी टू आउटपुट वोल्टेज में चेंज, डेल्टा वी सी डेल्टा वी नॉट, आई वन डेल्टा आई वी, आई टू डेल्टा आई सी। ये वैल्यू आपने रख दिया पहले इक्वेशन में, वी वन बराबर एच वन वन आई वन एच वन टू वी टू, वी वन की जगह डेल्टा वी आई, एच वन वन की जगह एच आई एच आई ई, आई वन की जगह डेल्टा आई वी, एच वन टू की जगह एच आर ई डेल्टा वी नॉट। अब आपने डेल्टा वी आई एच आर ई डेल्टा वी नॉट एच आई ई डेल्टा आई वी, डेल्टा आई वी बराबर डेल्टा वी आई एच आर ई डेल्टा वी नॉट अपॉन एच आई ई। ये हो गया हाइब्रिड इक्विवेलेंट इक्वेशन फॉर इनपुट। ठीक है, सर्किट तो बनाओगे इसी से ही बनाओगे। अब ये देखिए आई टू बराबर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, आई टू बराबर आई टू बराबर एच टू वन आई वन एच टू टू वी टू, आई टू बराबर एच टू वन आई वन एच टू टू वी टू। आई टू की वैल्यू है, आई टू की वैल्यू आपकी डेल्टा आई सी, एच टू वन, एच टू वन क्या है एच एफ ई, एच एफ ई फॉरवर्ड करंट के, आई वन की वैल्यू डेल्टा आई वी, एच टू टू की वैल्यू एच टू टू एच नॉट ई डेल्टा वी नॉट डेल्टा वी नॉट। डेल्टा वी नॉट का मान निकाला जाए, ठीक है, इसके लिए आप क्या करिए, आउटपुट सर्किट में आइए, इन आउटपुट सर्किट, इन आउटपुट सर्किट, ई बराबर
वी प्लस आई आर पढ़े हो। बैटरी का ईएमएफ ई बराबर वी प्लस आई आर, ई की जगह वी सी सी, वी की जगह वी सी ई, वी सी ई। करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है, आई सी आर एल से, आई सी आर एल। इसे आप डिफरेंशिएट करिए, वी सी सी का डिफरेंशिएशन जीरो, डेल्टा वी सी ई आर एल डेल्टा आई सी, डेल्टा वी सी ई ही डेल्टा वी नॉट के बराबर है, ले लिया डेल्टा वी नॉट डेल्टा आई सी आर एल, तो ये आपका आ गया डेल्टा वी नॉट बराबर, डेल्टा वी नॉट बराबर माइनस डेल्टा वी नॉट बराबर माइनस डेल्टा आई सी आर एल, डेल्टा आई सी आर एल। ये वैल्यू आप रख दीजिए, डेल्टा वी नॉट बराबर डेल्टा आई सी आर एल, ये वैल्यू आप रख दीजिए इक्वेशन फोर में, ठीक है, ये वैल्यू इक्वेशन फोर में रखिए, यूजिंग इक्वेशन फाइव इन इक्वेशन फोर, ठीक है। डेल्टा आई सी बराबर एच एफ ई डेल्टा आई बी एच नॉट ई डेल्टा वी नॉट, एच नॉट ई डेल्टा वी नॉट, एच नॉट ई डेल्टा वी नॉट, डेल्टा वी नॉट का मान रख दीजिए एच एफ ई डेल्टा आई बी एच नॉट ई डेल्टा आई सी आर एन, एच नॉट ई डेल्टा आई सी आर एन। इसको आप उधर भेजिए और ये इधर लिख दीजिए, तो एच एफ ई डेल्टा आई बी डेल्टा आई सी प्लस एच नॉट ई डेल्टा आई सी आर एल, ठीक है। इसमें अपनी तरफ से डेल्टा आई सी से डेल्टा आई सी वाले में ये वाले में आर एल से मल्टीप्लाई आर एल से डिवाइड, तो एच एफ ई डेल्टा आई बी डेल्टा आई सी आर एल अपॉन आर एल, डेल्टा आई सी आर एल वन अपॉन एच नॉट ई, हेलो हेलो हेलो, ये आपकी दिस इज द हाइब्रिड इक्विवेलेंट इक्वेशन इक्वेशन। हेलो हाँ बोलो। सर कॉलेज खुलेगा?
अरे पहले आज तुम जाए कॉलेज तब बताएंगे। तुम बताओ आज आने को है कि कल आने को है? अच्छा तो आज आके जमा करो ना। दिस इज द हाइब्रिड इक्विवेलेंट इक्वेशन फॉर कॉमन एमिटर कनेक्शन। ये हाइब्रिड इक्विवेलेंट इक्वेशन है फॉर कॉमन एमिटर। This is the hybrid equivalent equation hybrid equivalent equation for output ये hybrid equivalent equation है input के लिए और ये hybrid equivalent equation है आउटपुट के लिए। ये तो पूछा जाता है हाइब्रिड इक्विवेलेंट इक्वेशन बनाइए, तो हाइब्रिड इक्विवेलेंट इक्वेशन फॉर इनपुट है डेल्टा आई बी बराबर डेल्टा वी आई एच आर ई डेल्टा वी नॉट अपॉन एच आई ई, और इसकी है एच एफ ई डेल्टा आई बी डेल्टा आई सी आर एल अपॉन आर एल डेल्टा आई सी डेल्टा आई सी आर एल वन अपॉन एच नॉट ई। अब देखिए हाइब्रिड ये सब नोट हो गया तो हम रफ करें, इधर बना दे रहे हैं। सबका नोट हो गया? ये देखिए ये इनपुट लोड आर आई लिया, यहां पर वोल्टेज वी आई, ये वोल्टेज वी आई, ये वन यहां पर वी आई वी बी के बराबर, ठीक है। फिर इनपुट में क्या था एच आई ई इनपुट इंपीडेंस, एच आई ई इनपुट इंपीडेंस होगी, एच आर ई डेल्टा वी नॉट, एच आर ई डेल्टा वी नॉट ये बन गया, एच आर ई डेल्टा वी नॉट, ये इतना पार्ट इनपुट का हो गया, ये इनपुट का पार्ट है। इनपुट रजिस्टर आर आई, यहां पर वोल्टेज वी आई, इनपुट वोल्टेज वी आई की वैल्यू वी वी, इनपुट इम्पीडेंस एच आई ई, एच आर ई डेल्टा वी नॉट इनपुट वोल्टेज में चेंज, भाई एच आर ई का मतलब रिवर्स वोल्टेज गेन, तो रिवर्स वोल्टेज गेन डेल्टा वी आई अपॉन डेल्टा वी नॉट, डेल्टा वी नॉट से डेल्टा वी नॉट कट गया, तो ये क्या आ गया एच आर ई डेल्टा वी नॉट, ये इनपुट का वोल्टेज क्या चेंज आया। अब ये इतना इनपुट का हो, अब आउटपुट का बनाइए। खोल दो जरा बेटा, खोल दो अक्षय। अभी रुक जाते, खुश रहो खुश रहो बैठो। तो ज्वाइन कर लिया है? हाँ, है? चलो ऊपर चलो, हम आ रहे हैं। निकलना पड़ेगा 7 बजे पहले पहुंचना है। अच्छा, कितने बजे से?
अब देखिए आउटपुट का सर्किट बनाया जाए। एच एफ ई ये देखो, फॉरवर्ड करंट गेन, एच एफ ई डेल्टा आई वी, ये फॉरवर्ड करंट गेन है। एच एफ ई डेल्टा आई वी, फॉरवर्ड करंट गेन चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट इनटू डेल्टा आई भी, तो ये क्या हो गया आउटपुट करंट में चेंज। अब इसके पैरेलल में आप ले लीजिए, ये देखिए लोड आरएल है, उसके पैरेलल में है 1 अपॉन एच नॉट ई, फिर यहां पर है आउटपुट वी नॉट। ये है आपका करंट, इसमें फ्लो होगी आई सी, यहां करंट फ्लो हो रही है आई बी, ये बनेगा ठीक है। ये आउटपुट सर्किट है, ये वाला आउटपुट का है, ये वाला इनपुट का है। ये हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट फॉर इनपुट, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट फॉर इनपुट, फॉर इनपुट, और ये हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट फॉर आउटपुट, सर्किट फॉर आउटपुट।
आउटपुट। तो उसके लिए हाइब्रिड का इक्विवेलेंट इक्वेशन यूज करनी पड़ती है। ये डेल्टा आई भी यूज किया गया, डेल्टा वी आई, ये देखिए वी आई वोल्टेज है, इसी में चेंज आर आई पर, तो डेल्टा वी आई आउट इनपुट वोल्टेज में चेंज, एच आर ई डेल्टा वी नॉट, ये बनाया एच आर ई डेल्टा वी नॉट, ठीक है। रिवर्स, ये क्या है, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज गेन, फॉरवर्ड करंट, तो ये रिवर्स वोल्टेज गेन से क्या आएगा, रिवर्स वोल्टेज मतलब इनपुट वोल्टेज में चेंज, एच आई ई इनपुट इम्पीडेंस, आर आई इसके अक्रॉस वोल्टेज वी आई लगाया गया, वी आई की वैल्यू वी बी, इनपुट करंट आई बी, आउटपुट करंट क्या है आई सी, इसके पैरेलल में आर एल है, ये बना दिया, आगे पीछे भी बना सकते हो आर एल, फिर वन अपॉन एच नॉट ई, ये है आपका एच एफ वी डेल्टा आई बी, और ये क्या बना वी नॉट। इसी तरीके का कॉमन कलेक्टर का देखिए जल्दी से, रफ करें। अब देखिए हाइब्रिड इक्विवेलेंट इक्वेशन एंड सर्किट एंड सर्किट, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट एंड इक्वेशन फॉर कॉमन कलेक्टर सीसी कनेक्शन। हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट एंड इक्वेशन फॉर कॉमन कलेक्टर कनेक्शन सीसी कनेक्शन। ये देखिए ये आपका कलेक्टर, ये बेस, ये मीटर, एनपीएन ले लिया, इनपुट लोड आ रही है, इस पे वोल्टेज वी आई, पी को दिया पॉजिटिव, एन को दिया नेगेटिव, बैटरी वी बी, वी ई बी, ठीक है, इनपुट करंट आई बी, आउटपुट करंट आई सी, एन को दीजिए आप, इस एमीटर के थ्रू पी को दीजिए आप पॉजिटिव नेगेटिव, एन को दीजिए पॉजिटिव, एमीटर के थ्रू बेस को दिया गया नेगेटिव, एन को दिया गया पॉजिटिव, ये आपका रिवर्स बाइस्ड, ये आपका फॉरवर्ड बाइस्ड, इक्वेशन जनरल इक्वेशन, वी वन बराबर एच वन वन आई वन, टू वी टू,
आई टू बराबर एच टू वन आई वन एच वन वन एच आई सी एच वन टू एच आर सी एच टू वन एच एच सी एच टू टू एच नॉट सी ये को अब इक्वेशन फर्स्ट से फर्स्ट पहले ये भी लिख दें I1 करंट की वैल्यू डेल्टा IB, I2 करंट की वैल्यू डेल्टा IE, V1 की वैल्यू डेल्टा VEV, डेल्टा VCV सॉरी डेल्टा VCV, डेल्टा VCV जो आपका डेल्टा वी आई करो वी टू की वैल्यू डेल्टा वी सी डेल्टा वी नॉट के इक्वेशन फर्स्ट लीजिए V1 की वैल्यू डेल्टा वी आई एच आई एच आर सी डेल्टा वी आई एच आर सी एच आई सी डेल्टा आई ये इक्वेशन बन गई एक बार लिख दे This is the hybrid. बोलो बोलो equivalent. Hybrid equivalent equation for input. HIC करो ना H11 HIC
H12HRC कलेक्टर जब कॉमन कर रहे हैं ना तो सी लगा रहे हैं, एमीटर कॉमन कर रहे हैं तो ई लगा रहे हैं, बेस कॉमन कर रहे हैं तो बी लगा रहे हैं, ठीक है। तो HIC, HRC, HFC, H0। हाँ ये बात कर रहा हूँ मैं, IE गलत लगा गए, कहाँ लिखा हमने, ये लिखा तो IE है, इसमें लगाने में भी तो ठीक है। तो ये हाइब्रिड इक्विवेलेंस इक्वेशन फॉर इनपुट, इसी से आउटपुट का हम इनपुट का हम सर्किट बनाएंगे। अक्षय भी चले गए क्या, ज्वाइन कर लिया इन्होंने है? अच्छा अच्छा अब देखिए, अब इस आउटपुट की इक्वेशन में इक्वेशन सेकेंड I2 बराबर H21I1 H22V2 I2 की वैल्यू है डेल्टा IE, H21 का मान HFC, I1 का मान डेल्टा IV, H22 का मान H0C और V2 का मान डेल्टा V0। अब डेल्टा वी नॉट की वैल्यू लिखनी है, डेल्टा वी नॉट की वैल्यू वैसे ही बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल सेम है,